लोकसभा चुनाव 2019 के लिए बिगुल बज चुका है और अब मैदान भी सजने लगे हैं। लेकिन बिहार में एनडीए के बाद महागठबंधन की तरफ से अभी तक सीटों को लेकर के कोई फैसला नहीं लिया गया है। खींचतान की स्थिति लगातार जारी है। इधर राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद 20 सीटों से कम पर तैयार नहीं है। कांग्रेस को भी फ्रंट फुट पर खेलने का मंत्र मिल चुका है, इसके लिए उसे भी कम से कम 15 सीटें चाहिए। दोनों बड़े दल अपने अपने दावों पर अड़े हैं, ऐसे में छोटे सहयोगी दल चौराहे पर खड़े नजर आ रहे हैं। दिल्ली रांची दौरे भी कम नहीं हो रहे। लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी से बात मुलाकात का भी परिणाम नहीं निकल रहा है। कुल मिलाकर के राजद जो है वो 20 सीटों से कम पर मानने को तैयार नहीं है। इंतजार लंबा हो रहा है तो बेकरारी भी बढ़ रही है। वाम दल छिटकने के मूड में है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा मुखर हो गया है। हम के मुखिया जीतन अमांझी को सम्मानजनक सीटें चाहिए। रालोसपा यानी कि आरएलएसपी के उपेंद्र कुशवाहा को पिछली बार से ज्यादा सीटों की दरकार है। विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के मुकेश सहनी भी ज्यादा सीटों के लिए मचल रहे हैं। समाजवादी पार्टी और वाम दलों ने अल्टीमेटम भी दे दिया है, सीटें बांटिए नहीं तो जल्दी बताइए, वरना मैदान में अकेले जाने को तैयार हैं। इसके साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी ने सभी सीटों पर अकेले लड़ने के लिए ताल ठोक दिया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि राजद कम सीटों पर मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में परिस्थिति कुछ इस तरह से बन रही है कि राजद की तरफ से संसदीय बोर्ड की बैठक में ये फैसला लिया गया कि लालू प्रसाद यादव ही सीटों को लेकर के कोई भी फैसला लेंगे, या फिर बात सीट शेयरिंग की हो या फिर किसको कहां से टिकट देना है, इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद यादव करेंगे। अब जो है कि कांग्रेस की अपनी मजबूरियां हैं और राजद अपने आप को सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के तौर पर ज्यादा सीटें मानने के लिए उतारू दिख रही है। तेजस्वी यादव भी कई बार ये संकेत दे चुके हैं कि सीटों के साथ कोई समझौता नहीं होगा। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि राजद की जिद महागठबंधन को किस ओर ले जाती है। द गरम पोस्ट की रिपोर्ट।